उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर घात लगाकर गुजरते वाहन चालकों पर हमला कर उनसे मोबाइल और रुपए लूटकर ले भागने वाले चार बदमाशों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि ऐसे वांछित अपराध करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के ऋषभ देव पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि एक मामले में पुलिस तकनीकी सहयोग लेकर अनुसंधान कर रही थी, जिसमें चार आरोपियों को कलावत नदी पुलिया के पास झाड़ियों में अन्य लूट की योजना बनाते हुए डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य वारदातों के भी खुलने की संभावना है। ऋषभ देव व्रत के डिप्टी हेरम जोशी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऋषभ देव क्षेत्र के गड़ावत बिलक निवासी विशाल पिता बाबूलाल, इसी क्षेत्र के गड़ावत निवासी माइकल पिता दिलीप, वालदर निवासी खानुराम पिता ललित और वालदर के ही विजेश पिता रमेश को गिरफ्तार किया है। ऋषभ देव थानाधिकारी लच्छीराम ने बताया कि आरोपी लूट के लिए पूरी योजना बनाकर काम करते थे। वे हाईवे पर सुनसान जगह पर अचानक घात लगाकर हमला कर राहगीरों को रोकते और बाद में उनसे मोबाइल नकदी आदि लूट कर भाग जाते थे। अमरपुरा टीडी निवासी अशोक कुमार पिता रामा ने एक रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि 6 जुलाई को वो और उसके अंकल का बेटा राकेश घर से अमरपुरा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हाईवे पर बालाजी होटल के आगे पहुंचे तो दो मोटरसाइकिल पर सवार चार व्यक्ति आए और उनके आगे मोटरसाइकिल लगा दी। आरोपियों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दोनों के मोबाइल और उनकी जेब में पड़ी नकदी लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही थी तो ये चारों बदमाश पकड़ में आए। मामले के लिए बनाई गई टीम में थानाधिकारी लच्छीराम के साथ ASI ईश्वरचंद, गोविंद, सूर्यप्रकाश, जीवतराम, लोकेश कुमार, जीवराम, दशरथ सिंह और मनोहर लाल भी शामिल थे।